सो गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं Infinix के नोट 40 डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर फिंगरप्रिंट से कॉल को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। गाइस, अगर किसी की कॉल को आपने फिंगरप्रिंट से रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑन कॉल अगर आप कोई पर्सन से किसी पर्सन से बात कर रहे हो और फिंगरप्रिंट को एक बार टच कर रहा है तो जो कॉल होती है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग सेटिंग्स है, एक बार इसको थोड़ा सा डेमो करते हैं एंड आपको दिखाते हैं इस सेटिंग को एनेबल एंड यूज कैसे करते हैं। वेल गाइस, इस सेटिंग को एक्सेस करने के लिए हम ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करा है, इसमें एक सेटिंग्स होगा सिम एंड नेटवर्क सेटिंग्स। एक बार आप इसको प्रेस करेंगे देन इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपको शो होंगे। स्क्रॉल करके नीचे आना, कॉल सेटिंग का एक ऑप्शन होगा, इसको प्रेस करना है। देन कॉल सेटिंग के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें एक और सेटिंग्स मिलती है एडवांस सेटिंग्स, एक बार इसको प्रेस करेंगे। अब हमें किसी की कॉल को फिंगरप्रिंट से रिकॉर्ड करना है तो टॉप नंबर पे अगर आप रिसीव करना चाहें तो रिसीव कर सकते हैं, रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कॉल यूजिंग फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन होगा, इसको प्रेस करना है। एंड जब भी कोई कॉल वगैरह आती है उससे बात करते हो कॉल पर तो एक बार आप चाहे साउंड साइड माउंटर हो, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि साइड माउंटर में ज्यादा ईजी होता है करना, तो एक बार आप प्रेस कर देंगे तो जो कॉल है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से आपने फोन के अंदर जो है फिंगरप्रिंट से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे कैसे इस सेटिंग को यूज करना था। एंड इसके रिगार्डिंग कोई और कंफ्यूजिंग होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।